आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज में आपका स्वागत है। जगदूत राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का चैनल के लिए जगदूत न्यूज ब्यूरो देव जी की विशेष रिपोर्ट। पत्रकार नगर खगड़िया सदर अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों का हड़ताल, मरीज हुए परेशान। सदर अस्पताल में डॉक्टरों और कर्मचारियों का आज हड़ताल जारी रहा। वहीं विगत दिनों दिनांक 25 मई 2019 को रात्रि 10 बजे से आप देख रहे हैं जगदूत न्यूज से। विगत 25 तारीख शनिवार के रात हॉस्पिटल में तोड़फोड़ हुई। मृतक चंदन कुमार जो मथुरापुर के रहने वाले हैं उनकी मृत्यु हुई। डॉक्टरों का कहना है कि बिजली के करंट लगने से ही मृतक की मौत हो गई और वो इलाज करवाने हॉस्पिटल चले आए। और परिजनों का कहना है कि डॉक्टर के लापरवाही से मृतक की मौत हुई। और आज आप देख रहे हैं हॉस्पिटल में खचाखच भीड़ बनी हुई है और जितने भी कर्मचारी हैं डॉक्टरगण हैं सभी हड़ताल पे हैं। तो आइए पूछते हैं कि इनके क्या मांगे हैं और किस तरह का आग वाक्य है। आप बने रहें जगदूत न्यूज़ पे। आपका शुभ नाम सर? डॉक्टर दिनेश कुमार देव। सर ये शनिवार के रात में जो घटना हुई उसी के बारे में बात हो रही है। तो सर यहाँ पे परिजनों का कहना है कि डॉक्टरों के कुछ लापरवाही के कारण से ऐसा हुआ, जबकि कहने के लिए कोई कुछ कह सकता है। जी सर, अब जो वस्तु स्थिति है आपके सामने, डॉक्टर को देखते हैं ना, डॉक्टर देखते हैं। देखिए डॉक्टर का काम है इलाज का, उसके और भी बहुत सारे रोगी आए, सभी का इलाज हुआ। हमारे सामने बच्चा सीरियस बच्चा उसका इलाज हुआ, जो चीज मार्केट हो तो ये संस्था है इलाज करने के लिए। लापरवाही का जिंदगी और मौत को ऊपर वाले के हाथ में है। अच्छा सर थोड़ा सा बताएंगे, शनिवार के रात में जितने लोग रात में थे वो कौन कौन थे, किन कौन को मारपीट लगी, थोड़ा सा बता सकते हैं डॉक्टर का नाम थोड़ा सा? तो बताने को तैयार है ना, क्या बताएं सर? आपका शुभ नाम सर? धन्यवाद सर। आप हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं सर? चलिए धन्यवाद सर। सर शनिवार के रात में जिन डॉक्टरों को मारपीट लगी वो डॉक्टर का नाम क्या है सर? के सिंह। और सब लोग जो थे उनमें भी मारपीट लगी, तोड़फोड़ हुई, जहाँ तक की जानकारी मिली और देखा भी कि टेलीफोन भी चूर दिया गया। आपत्तिजनक स्थिति हुई और कुछ गार्ड कर्मी को भी मारपीट लगी है, पुलिस बल को भी मार लगी है, यहाँ तक कि थाना अध्यक्ष को भी। थाना प्रभारी जो थे उनको ईटा से मारा गया, पैर से ब्लड निकला। मैडम जी थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, आपका शुभ नाम क्या होगा? आपका शुभ नाम? पुष्पा कुमारी। पुष्पा कुमारी, यहाँ आप कर्मी हैं? मैंने जब उसी देर में कल होकर के जब पीरंजन जी से मैंने बात किया तो पीरंजन जी का कहना हुआ कि मुझे कोई चोट नहीं लगी, मुझे कोई, उसके साथ मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं यूं ही नहीं बोल रहा, जो भी हो। प्रियरंजन जी ने ऐसा कहा कि मुझे कोई चोट नहीं लगी है। और प्रियरंजन जी स्वयं अपने मुंह से बोले कि अभी तक कोई लिखित आवेदन मुझे नहीं मिला है कि केस किसी तरह का केस हो। अब ये माजरा क्या है ये थोड़ा सा हमें बताएं, ये समझ में नहीं आ रहा है। जब होमगार्ड से पूछे तो होमगार्ड बोल रहे हैं कि सर 11:15 बजे मुझे सूचना मिली, मैं रक्षा के लिए, डॉक्टर की रक्षा के लिए मैं वहाँ पहुँचा। विगत स्थिति जो कर्मी है यहाँ के कर्मचारी हैं वो बता पाएंगे। और फिर रंजन बाबू कह रहे हैं कि हमसे कोई मारपीट नहीं हुई और अभी तक कोई लिखित आवेदन नहीं दिया, ये क्या माजरा? ईटा से लगा है, उसको ईटा से लगा है। देखते हैं कि आगे क्या होता है, केस हो गई है। प्रियरंजन बाबू किस स्थिति में अपना बयान दिए हैं तो उनके सूझबूझ पर निर्भर करता है, लेकिन उनके साथ भी घटना घटी है, यहाँ उनका ड्रेसिंग। अच्छा यहाँ ड्रेसिंग भी हुआ, बहुत खुशी की बात है। आग से देखी भी बात, किस वजह से प्रियरंजन बाबू मुकर गए अब ये तो जानना जरूरी होगा, जानना जरूरी होगा ना। ये दोबारा ना हो उस तरह की सुरक्षा की गारंटी प्रशासन को दे। देखिए अब जहाँ तक पब्लिक सेवा भी खाएंगे, उल्टे मार भी खाएंगे, सब चीज होगा, कैसे करेंगे? राष्ट्रकर्मी सिर्फ सेवा ही दे सकता है ना, पब्लिक अपना गलती एक्सेप्ट करेगा नहीं। अब मैडम जी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब सरकारी संस्थान में सरकारी कर्मी जब सुरक्षित नहीं है, जो रोड पर या स्टेशन पर जो चल रहा होता है उसकी क्या गारंटी है? विगत दिनों में बता दूं कि स्टेशन रेलवे रेक पॉइंट पर लगभग जीआरपी के सामने में एक आदमी को गोली मार दिया गया,
जो भदास का था, अन्य जगह का था, आखिर सुरक्षा का मुहैया हो ही नहीं पा रहा, प्रशासन कर क्या रही है? जब हम खुद नहीं सुरक्षित हैं तो दूसरे सुरक्षा क्या करेंगे? जब हम खुद ही नहीं बचेंगे तो दूसरे को कैसे बचाएंगे? तो अच्छा, अभी तक लिखित आवेदन हुआ या नहीं हुआ है? लिखित आवेदन आप लोग के गए हैं? आज दिया गया या उसी दिन दिया गया? उस रात की घटना थी, उसके कल संडे था, तो आज दिया। आज बात हो करके सेवा कर्मी जो है तो हड़ताल पर उतरा। आवेदन थाना में दे दिया गया है? आवेदन दिया है। जितना भी प्रशासन जो भी हो, सबके सामने की घटना है, सब आकर के फ्रंट पर देख करके तब गए। बिल्कुल वाजिब बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, अप्रिय घटना है। चलिए, धन्यवाद, बने रहे जगदूत न्यूज़।